क्लास फोर की किताब है बलाजम। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर टू। चैप्टर टू में जो टाइटल है, जो पढ़ना है हम लोगों को स्टोरी, वो है आर होम। आर होम हमारा घर। आई एम अमित, मैं अमित हूँ। दिस इज माय होम, ये मेरा घर है। इट इज एट अ विलेज, ये गांव में है। इट हैज थ्री रूम्स, इसमें तीन कमरे हैं। आई लिव विद माय फादर एंड मदर, मैं अपने पिता और माता, ब्रदर एंड सिस्टर, भाई और बहन के साथ रहता हूँ। माय फादर इज सिटिंग ऑन अ सोफा, मेरे पिता एक सोफा पर बैठे हैं। एंड माय मदर इज सिटिंग इन अ चेयर, और मेरी माता एक कुर्सी पर बैठी हैं। दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। जब दो आदमी आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो बोलते हैं ईच अदर, तो दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। माय ब्रदर इज रीडिंग अ बुक, मेरा भाई एक किताब पढ़ रहा है। बट माय सिस्टर इज प्लेइंग विथ हर ब्यूटीफुल डॉल, लेकिन मेरी बहन एक सुंदर, एक खूबसूरत गुड़िया से खेल रही है। माय सिस्टर इज अंडर थ्री, मेरी बहन तीन साल से कम की है, यानी मेरी बहन की उम्र तीन साल से कम है। सो शी डज नॉट गो टू स्कूल, इसलिए वो स्कूल नहीं जाती है। स्कूल हम लोग बोलते हैं ना SCHWL स्कूल, तो सही प्रोनाउंसिएशन है स्कूल। एस को हल्का से बोलेंगे स्कूल। माय ब्रदर इज इन क्लास फाइव, मेरा भाई क्लास फाइव में है, पांचवी क्लास में है। ही गोज टू स्कूल एवरी डे, वो हर रोज स्कूल जाता है। माय फादर वर्क्स इन एन ऑफिस, मेरे पिता एक ऑफिस में काम करते हैं। ही गोज देयर एवरी डे, वो हर रोज वहां जाते हैं। इन द मॉर्निंग सुबह में, एंड कम्स बैक इन द इवनिंग, आ वापस शाम को लौटते हैं। ही ब्रिंग्स मेनी थिंग्स फॉर अस, वो हम लोगों के लिए बहुत सी चीजें लाते हैं। माय मदर इज अ होम मेकर, मेरी माता गृहिणी है। गृहिणी कहते हैं ऐसी औरत जो घर में रह के घर के काम काज को देखती है। शी टेक्स केयर ऑफ अस, वो हम लोगों का ख्याल करती हैं, ध्यान रखती हैं। आई प्ले कैरम एंड लूडो विथ माई ब्रदर एंड सिस्टर, मैं अपने भाई और बहन के साथ कैरम और लूडो खेलता हूँ। मतलब ये हुआ कि अमित अपने भाई और बहन के साथ लूडो और कैरम खेलता है। एट नाइट, रात में, वी ऑल सिट टुगेदर, हम सब एक साथ बैठ जाते हैं। एंड हैव अ चैट, अब बात करते हैं। चैट माने बातचीत करना, गपशप करना। समटाइम्स वी गो आउट एंड हैव फन, कभी कभी, समटाइम्स माने कभी कभी, हम लोग बाहर जाते हैं। और फन माने क्या होता है, आनंद लेते हैं। फन माने आनंद लेना, मजा लेना, तो बाहर जाते हैं और आनंद लेते हैं। तो आपने देखा कि ये जो चैप्टर टू है हमारी किताब बलजम का, इसमें आर होम पे हम लोगों ने पढ़ा है। इस चैप्टर को आप सुनिए, इसी तरीके से आप इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करने की, ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए, इससे आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और शेयर जरूर करेंगे।